तन्नु नाम की लौंडिया के कारण इतना बदनामी हुआ है। तुमरे और पल्लवी के रिश्ते के बीच में आई कि नकुल घर छोड़ के चला गया। आयुष्मान भारत योजना बनाई जिसमें आप लोगों का बीमा होता है और फिर उसी के जरिए आपका इलाज मुफ्त में हो जाता है। ज्यादा पढ़ लिख कर उसने हमारे सच्चे प्यार को कभी समझा ही नहीं। अरे दिल जलो की तरह चाहते थे उसको, लेकिन उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया। हम उन दोनों से वो बदला जरूर लें और उस शांतनु से। पापा, आप अपने आप को ज्यादा शाना समझते हैं क्या? हर बात को छोड़ते जा रहे, बहुत हद से निकलती जा रही। आपको शांतनु को रोकना चाहिए था ना, नहीं रोक पाए ना। मैं उस तनु को मेरे शांतनु की परछाई से भी दूर रखना चाहती थी, लेकिन वो वापस उस तनु के पास चला गया। और मैं यहाँ हाथ पे हाथ धरकर मजबूर बैठी हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्या खिचड़ी पका रही होगी वो मेरे शांतनु को फांसने के लिए। मैं शांतनु को उस तनु की परछाई से बचाना चाहती थी, लेकिन आज क्या हुआ? वो उस तनु के साथ अस्पताल बैठा है। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं वो दोनों, ये सोच सोच के ना मेरा दिल घबरा रहा है कि वहां क्या चल रहा होगा। आप मेरी जगह होते ना तो आपको पता चलता मुझ पे क्या बीत रही है। बिटिया का है, जब आग लगा रहता है ना तो उस आग को बुझाने के चक्कर में इंसान झुलस जाता है, और वो आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए होता है, समझे कि नहीं? इस शांतनु ने हम लोगों की जिंदगी में जो आग लगाया है ना, वो आग को बुझाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अगर होता तो हम उसे तुम्हारे पास से जाने ही नहीं देते। क्या समझे तुम? आपको पता है मुझे कैसा फील हुआ उसको सॉरी बोलकर, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, और वो सीना चौड़ा करके चला गया उस तनु से मिलने, और मैं यहाँ मजबूर होकर हाथ पे हाथ धरकर बैठी हूँ और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। सब आपकी वजह से। पता नहीं आप क्या खिचड़ी पकाएंगे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो लड़की, उस लड़की को मेरा घर जलाने का मौका मिल गया, और मैं बस यहाँ खड़ी हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। पापा प्लीज कुछ कीजिए। शांतनु मुझे छोड़ के चला जाएगा पापा। रोज रोज की मुलाकातें, वो लड़की मेरे शांतनु को फांस लेगी पापा। हम दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएगी। शांतनु मुझे छोड़ देगा पापा। पापा प्लीज कुछ कीजिए पापा। बिटिया तुमको क्या लगता है हम चुपचाप ऐसे खड़े देखते रहेंगे तमाशा है? एक बात याद रखो, जिस दिन चाहेंगे ना उस दिन इस तनु की सारी इज्जत को बेइज्जती में बदल देंगे। ये सब बातें ना सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे, ना आप और ना जानकी आंटी, सिर्फ बातें कर सकते हैं आप लोग। और शांतनु किसी के वश में नहीं, ना ही आपके और ना ही जानकी आंटी के। वो वही करता है जो उसे करना होता है, उससे जो उसे ठीक लगता है। ये तुमको ऐसा लगता है बिटिया कि वो वह करता है जो उसको करना होता है, लेकिन हम जानबूझ के उसको सह दे रहे हैं ताकि एक दिन उसको उठा के मार देते। कितना बार कहें हम तुमसे कि जिंदगी का शतरंज जो है ना बड़ा धीरज से खेलना पड़ता है, वरना इंसान की मौत एक मामूली प्यादे की तरह हो जाएगी। और तुम तो रानी हो, हमारी रानी बिटिया हो ना, तो तुम रानी वाला खेल खेलो, बाकी हाथी घोड़ा ऊंट इनको अपना काम करने दो। जहां तक रही शांतनु के परिवार की बात, तो उसके वो बड़ौ दादाजी और पिताजी को इतना कर्ज में डुबा दिए हम कि वो कर्ज का बोझ उसके दादाजी सह नहीं पाए और परलोक सिधार गए। और जो शांतनु की अम्मा है ना, वो एक नंबर की पैसे की लालची है, उसकी आंख में पैसे की पट्टी लगी हुई है। अरे उसको तो ये तक नहीं दिखता कि उसके बेटे की असली खुशी कहाँ है। तुम जानती हो इतने आसानी से काहे उस शादी के लिए राजी हो गई? काहे कि उसको पता था कि उसकी 7 पीढ़ी भी ये कर्जा हमारा उतार नहीं पाएगी। तुमसे शादी हो जाएगा तो हम उधार दिया पैसा मांगेंगे तो नहीं ना है?
तो सिर्फ हमरा मोहरा है। शांतनु और तन्नु की सगाई के समय भी वो हमारे बुरे जाल में फंसती चली गई और उसने वो सब किया जो हमने उसे कहा। और देखा था ना तुमने का परिणाम आया उस सगाई के बाद। मेरा शांतनु इतना पढ़ा लिखा है, लंदन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, उसकी शादी तन्नू जैसी गवार जाहिल अनपढ़ के साथ कर दूं? जिसे चाहेगा उसे इस घर की बहू बना के लाएगा, फिर वो पल्लवी हो या कोई और। तुम्हारी जैसी दो कौड़ी की अनपढ़ जाहिल गवार तो बिल्कुल भी नहीं। तुम सिर्फ वो करती जाओ जो हम तुमसे कह रहे हैं। शांतनु और तन्नू उस अस्पताल में कोई प्रोग्राम करने वाले है ना, उनको तो पता भी नहीं है कि वहां जो भीड़ होगी उसमें हमरे कितने लोग हैं। अरे ऐसा उत्पात मचेगा वहां, ऐसा तमाशा होएगा कि जिंदगी में दोबारा ये लड़की ऐसा कोई काम करने के पहले 100 बार सोचेगी। और जो शांतनु नाम की पतंग है ना, जो हवा में इतना उड़ रही है, वो कट के सीधे तुम्हारे पैरों पर गिरेगी। कहे कि बेटा शांतनु सिर्फ दोहरा है, सिर्फ दोहरा, और हम शांतनु तुमको ला के देंगे, ये हम वचन देते हैं। और जो शांतनु की अम्मा है ना, वो एक नंबर की पैसे की लालची है। अरे उसको तो ये तक नहीं दिखता कि उसके बेटे की असली खुशी कहाँ है। मैं कैसी बेवकूफ औरत हूँ कि दुबे प्रधान की चाल में फंस गई। मैं कैसी औरत हूँ जो ऐसे लालच में पड़ी थी जिसका कोई अंत नहीं। मैं किस तरह की औरत हूँ जो अपने ही हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। एक ऐसे लालच में पड़ी थी जिसका कोई अंत नहीं था। अपने लालच में इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे सिर्फ दुबे प्रधान जी का पैसा और रुतबा दिखाई दे रहा था, और सिर्फ ये दिखाई दे रहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने शांतनु की शादी उस पल्लवी के साथ करवा सकूं। उस लालच में ऐसी अंधी हो गई थी कि ना तो मुझे अपने बेटे की खुशी दिखाई दे रही थी और ना ही अपने पति की इज्जत और ना ही अपने ससुर की जबान की कीमत दिखाई दे रही थी। मैं कितनी स्वार्थी हो गई थी, मैं इतनी स्वार्थी हो गई थी कि अपने स्वार्थ के लिए अपने बेटे की खुशी को कुर्बान कर दी। और फिर भी मेरे आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी रही लालच की, उसके जाल में फंसी रही। मैं कितनी बुरी औरत हूं। बुरी आप नहीं, बुरे वो लोग हैं जो चाल चलते हैं। मैंने देखा आपने उन दोनों की बातें सुनी हैं। आपकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था उसे उठते हुए मैंने देखा। अच्छा हुआ जो आज आपने उन दोनों की बातें सुनी। बाप बेटी दोनों ही अंधे हैं, स्वार्थ और अहंकार में वो दोनों इतने चूर हो चुके हैं कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हालांकि वो मेरे पति हैं और वो मेरी बेटी। अफसोस तो इस बात का है कि मेरा संबंध है उनसे। वो अपनी बेटी की जिद के चलते अपने बाप का फर्ज निभाने ही रहे। उसे इतना बिगाड़ के रखा है कि वो पागल हो चुकी है और उस पागलपन की जिद में शांतनु को हासिल करना चाहती है। और उसकी इस जिद को पूरा करने के लिए मेरे पति कुछ भी कर सकते हैं। यही नहीं, ये करने के लिए उस मासूम तनु का घर बर्बाद करती और आपका भी घर बर्बाद करती। उसके साथ साथ हमारा घर भी बर्बाद कर दिया। जाकूत रहते उन दोनों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके कर्मों की वजह से मेरा बेटा नकुल ये घर छोड़कर चला गया।
सर बर्बाद, सर बर्बाद हो। लेकिन खुशी इस बात की है कि आपको एहसास हो गया कि उन्होंने आपको मोहरा बनाकर कैसे फंसा है और आप अपने खुद के बेटे की खुशियों को कैसे तबाह कर रही थी। सही कहा आपने, मैं मोहरा बनके अपने ही घर को हाथ लगा दिया, अपने ही घर को तबाह बर्बाद कर दिया और आज अपने बेटे को ऐसी हालात में लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसे बाहर नहीं निकाल सकती। और अगर अगर मैं दुबे भाई साहब के खिलाफ गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि मैं उनकी कर्जदार हूं, वो मुझे जेल भी भिजवा सकते हैं। लेकिन एक बात आज मैंने तय कर लिया कि अब से मैं अपने बेटे का साथ दूंगी, अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिला के चलूंगी, उसकी खुशियों को हासिल करने के लिए मैं उसका साथ दूंगी, मैं उसका साथ दूंगी। मैं आपकी मदद करूंगी, जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे जरूर याद कर दो। अरे हाँ, एक बात याद आई कि वो दुबे भाई साहब कह रहे थे कि तन्नू और शांतनु के कार्यक्रम में अपने आदमियों के जरिए वो कुछ गड़बड़ी करवाना चाहते हैं वहां पे। अगर अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बहन जी, हमें उसे रोकना पड़ेगा। तो आप शांतनु को फोन करके बताइए ना जल्दी से, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। फोन ही नहीं उठा रहा है। आप फिर से ट्राई करें, शायद वो मरीज देखने में बिजी हो। क्या हुआ, अभी भी नहीं उठा रहे? शायद कहीं बिजी होगा, कहीं मरीज देख रहा होगा, आएगा। फिर से फोन आ जाए तो आप इत्मीनान रखिए, घबराइए मत, हम है ना, हम आपका साथ देंगे। तुम्हें तमीज नहीं है कि एक औरत से कैसे बात की जाती है? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, जितना बोला उतना करिए। ये सामान उठाइए और निकलिए यहां से। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंद करो इसे, बंद करो नाटक, हटाओ हटाओ, नहीं दिया क्या, खत्म करो, लाओ ये अपने बोरे बिस्तर, हटाओ, बंद करो, बंद करो इसे, बंद करो नाटक। ए चलो समेटो अपना बोरे बिस्तर, साफ खत्म करो, ऑटो निकलो यहाँ से, चलो उठो। सुनाई नहीं दिया क्या, उठाओ अपने बोरे बिस्तर। एक मिनट, क्या तमाशा है सब, कौन है आप लोग, चले जाए यहाँ से, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं समझे, ये कौन सा आशिकी का ड्रामा चल रहा है? अपनी आशिकी करने के लिए तुम लोगों ने यहाँ पर कैंप लगा रखा है ना, ताकि इस हॉस्पिटल के बहाने तुम दोनों यहाँ पर मिल सको।
और अगर तुम लोग ये सब करोगे तो हमारी इन बहू बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ेगा और फिर से इस गांव में गंदगी फैला सको है। हम ये होने नहीं देंगे। ये क्या दादागिरी है सब? चलो निकलो यहाँ से। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्या कर रहे हो तुम लोग? दिख नहीं रहा कैंप लगा है? और गांव वालों काम उतार करो भैया, चलो निकलो। हम इन नौटंकी को इस गांव में बंद करेंगे, कहे कि हमारे गांव की औरतों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। चलो निकलो, सब निकलो यहां से। चलो हो गया, नौटंकी खत्म हुई है। चलो चलो खड़ा है सब। एक मिनट, क्या बदतमीजी है ये? दिख नहीं रहा है मेडिकल कैंप लगा हुआ है, लोगों को मुफ्त दवाई बढ़ रही है, आपको मजाक लगा हुआ है। चलो निकलो यहाँ से। हो गया तुम्हारा, अब ज्यादा स्मार्ट मत बनो। ये क्या बदतमीजी है? और कौन है आप लोग? और ये सब कुछ किसके कहने पे किया जा रहा है? ज्यादा चूचा पाड़ की ना तो अभी देंगे घुमा। एक मिनट, तुम्हें तमीज नहीं है कि एक औरत से कैसे बात की जाती है? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, जितना बोला उतना करिए। ये सामान उठाइए और निकलिए यहाँ से। सब लोग निकलो, खत्म करो ये सब। चलो निकलो, चलो ये सब किया धरा हमारे बाबू जी का, वो 5 साल बाद भी वही कर रहे हैं जो 5 साल पहले किए। भेड़िए का नाखून काटने से वो शिकार करना नहीं भूलता, लेकिन वो नहीं जानते कि हम भी उनका बेटा। अब तनु शांतनु के साथ साथ अपने बाबू जी को भी खेल दिखाएंगे। अब होगा डबल धमाल, बाप बेटा।
देखो मैं अपनी लड़ाई ना अकेले लड़ सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारे सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में वापस? हाँ, आखिर चाहते क्या हो तुम? क्यों मुझे चैन से जीने नहीं देते? तुम क्या जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ? तो सुन लो, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। इतनी नफरत करती हूँ कि मैं तुम्हारा नाम तक नहीं सुनना चाहती, तुम्हें अपने आसपास भी नहीं देखना चाहती। तुम जब भी मेरी जिंदगी में आते हो, मेरी जिंदगी में ग्रहण लग जाता है, सब कुछ तबाह हो गया, मेरी जिंदगी उजड़ गई, बदनामी का दाग ले इतने साल गुजर गए, लेकिन तुम्हारे वापस आते ही सब कुछ फिर से वही शुरू हो गया। क्यों आए तुम मेरी जिंदगी में? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से तुम। हाथ मत लगाना मुझे, हमदर्दी दे रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? भगवान हो? देखो मैं अपनी लड़ाई ना अकेले लड़ सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं और तुम्हारे सहारे की तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तुम अपना ट्रांसफर लो और निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुम जब भी जिंदगी में आते हो सारी मुश्किलें फिर से आ जाती है। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे वापस आते ही वही सारी घिनौनी बातें, वही सारे घिनौने इल्जाम। तुम्हारी वजह से ना मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत रखी, जिंदगी में आगे बढ़ती रही, लेकिन आज तुम्हारे वापस आने से मेरे सारे जख्म फिर से जिंदा हो गए और मुझे अब नहीं लग रहा कि मैं इन सब का सामना कर पाऊंगी, और मुझे अब डर लग रहा है कि मैं अपनी मंजिल, अपने रास्ते, अपने सपनों को खो दूंगी। तनु, मैं तुम्हें यहाँ गलत इरादे से लेके नहीं आया था। क्यों आए फिर यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। तुम क्या मुझे बचाने के लिए हीरो की तरह यहाँ कमरे के अंदर लेकर आए? देखो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। ये सब कुछ इतने अचानक से हो गया कि मैं परेशान हो गई थी, डर गई थी, लेकिन जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। उन सब लोगों से ना मैं अकेले निपट सकती हूँ, मैं देख लूंगी, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। हटो यहाँ से। तनु, तनु मेरी बात तो सुनो। ए, तब निकलो यहाँ से। तो खबरदार, जो आगे बढ़े तो औरतों और बच्चों पर अपनी ताकत आजमाते हो, बेशरम हैवान गंदे लोग हो तुम, राह चलते उपद्रव करते हो तुम लोग और कीचड़ दूसरों पे उछालते हो। हाँ, क्या कह रहे थे तुम लोग कि मैं गंदगी फैला रही हूँ और तुम लोग क्या गांव को बहुत खूबसूरत बना रहे हो? क्या जानते क्या हो तुम मेरे बारे में जो मुझ पर लांछन लगाने चले आए? क्या कह रहे थे तुम लोग? बोलो, आप जवाब दो। अब मैं तुम लोगों को बताती हूं, तुम वो लोग हो जो दिन के उजालों में साधु संत बनकर घूमते हो और रात के अंधेरे में शैतान और हैवान बनकर लड़कियों के साथ बलात्कार करते हो।
तुम जैसे लोगों को ना समाज में रहने का कोई हक नहीं। तुम लोगों को समाज से निकलकर बाहर फेंकना चाहिए। तुम लोग ना समाज में रहने के लायक ही नहीं हो। ए, बहुत बोल रही है तू।